लगातार अपनी ताकत झोंक रहे हैं और विकास के नाम पर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। देखिए, विकास के नाम पर इस वक्त तो लोग समर्थन मांगते हैं, लेकिन जो प्रधान बन जाता है, बहुत लोगों ने इस बात को महसूस भी किया होगा, वो विकास की बात भूल जाता है, वो अपने विकास की बात करता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। अब जनता तो उसी को वोट देगी जो गांव में विकास करने की काबिलियत रखता होगा, जिसकी बात में सफाई होगी। बहरहाल संत कबीरनगर की बदहाल हालत को देखकर लगता है कि इस बार जनता का मूड कुछ और है और जनता ने कुछ करने की ठान रखी है। पंचायत चुनाव नजदीक हैं और प्रत्याशी जनता के बीच अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। गांव में प्रधानी से लेकर जिला पंचायत चुनाव के भावी प्रत्याशी विकास के नाम पर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। भारत समाचार की टीम पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच पहुंच गई संत कबीर नगर जिले के वार्ड नंबर 18, जहां पहुंचकर हमने जनता को सुना तो जाना कि यहां के निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य नीना देवी से जनता को काफी उम्मीदें थी, लेकिन नीना देवी ने जीतने के बाद जिले में कोई भी विकास नहीं कराया। नीना देवी ने कुछ नहीं किया और यहाँ तक की हमारे गाँव ग्राम सभा में आई भी नहीं, चेहरा तक नहीं दिखाया। हम लोग को उम्मीद है कि गोलू सिंह हमारे यहाँ काम करेंगे, हम लोग वोट उनको करेंगे। इनका जज्बा देख के हमें हौसला हुआ है, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, हम लोग वोट उनको ही करेंगे। कितना विकास हुआ आप लोग के गांव में? कुछ एक पैसे का विकास नहीं है, यहाँ तक कि वो यहाँ शकल भी नहीं दिखाई। जब से जीत कर गई तब से आज तक शकल नहीं दिखाया है, काम क्या करेगी करिए। लेकिन 5 साल के बाद हमने आपकी जुमा को देखा, उन्हें नाली आप देख ही रहे, टूटी फूटी सड़क, मच्छर सारा दिन सारी रात नोच रहे हैं, रात दिन हमें ही रहते हैं। जिले का वार्ड नंबर 18 विकास के मामले में काफी पिछड़ा हुआ दिखा। इस वार्ड के कई गांव अभी भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। गांव में आज भी सड़क, नाली, स्वास्थ्य और साफ पानी की सुविधाएं तक नहीं पहुँच पाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष नीना देवी कभी भी ग्रामीणों के बीच नहीं आई। आज तक हम लोगों ने जितना प्रत्याशी चुने, जैसे मीना देवी हुए या अन्य भी तमाम लोग आए और यहाँ से बढ़िया उनको मौका दिया गया जिला पंचायत सदन से भी, लेकिन फिर भी एक भी ना तो रोड सही हुआ, ना ही नाली सही हुआ। हम लोगों का यही दिली तमन्ना है, ऐसे शख्स को, ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो कि हमारा गांव जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से हो। आज तक ना तो कोई नाली सही हुआ है, ना ही कोई अरकावला रोड सही हुआ है। जितने भी लोग वादा करके गए आज तक खड़ा नहीं उतरे। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि इनका जज्बा देख के कि आज तक बहुत लोगों को जिताए, बहुत लोग मतलब दुनिया गांव वाले देखे, और गांव वालों का यही आज तक मतलब यही सोचना है कि एक बार फिर से गोलू भैया को देख लिया जाए कि इनका मनोतमन्ना क्या है। इनका जज्बा देखकर हम लोगों का एकदम हौसला बुलंद है। जैसे पहले था वैसे ही है, यहाँ कुछ भी बदला नहीं, वैसे ही नाला, वैसा ही रोड, वैसा ही सब कुछ है। और इन 5 सालों में अभी तक अध्यक्ष जी यहाँ आए भी नहीं, गांव के लिए कुछ नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग अब परिवर्तन चाहते हैं। यहाँ इस समय हम लोग गोलू सिंह को चुनना चाह रहे हैं, देख रहे हैं वो क्यों के साथ में हम लोग, क्यों ऐसा? क्योंकि वो हमारे लोकल प्रत्याशी हैं और अच्छा है, उनका नाम है, अच्छा काम करते हैं, लोगों के साथ उनका व्यवहार अच्छा, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ भी वो अच्छा काम करेंगे। बदहाली से परेशान ग्रामीणों को देखकर इस बार वार्ड नंबर 18 से युवा नेता चंदेश्वर सिंह उर्फ गोलू चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और जनता भी उनको पूरा समर्थन दे रही है। जैसे जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रत्याशियों का भी जनसंपर्क तेज हो चुका है। इस समय वार्ड नंबर 18 में मैं मौजूद हूं। यहां के लोगों से आइए बात करते हैं, इस बार किस तरह का वो प्रत्याशी चुनते हैं। जी बताइए, इस बार आप किस तरह का प्रत्याशी चुनना चाहते हैं? हमारे सामने जो नवयुवक हमारे क्षेत्र के, हमारे गाँव के, हमारे कर्मठ और ईमानदार प्रभावशाली नेता ऐसे है
इतना जोशीले नेता है, ये जनता को हमेशा साथ देंगे और हमें विश्वास है कि हम इनको अपना बहुमूल्य वोट दे करके भारी से भारी मतों में विजयी बनाएंगे। गोलू सिंह को मेरे साथ यहाँ के जो 18 नंबर वार्ड के प्रत्याशी गोलू सिंह आई है, उनसे पूछते हैं क्या प्राथमिकता आपकी रहेगी। गोलू जी, मेरी प्राथमिकता यही रहेगी भैया, मैं जिस दिन चुनाव जीत के आऊंगा करनी की जनता में, चाहे चुनाव जीतूं चाहे हारूं, मैं अपना सब कुछ निछावर कर दूंगा। इस वार्ड से जिला पंचायत सदस्य चुने गई थी मीना देवी, उन्होंने 5 साल में क्या किया है? कुछ नहीं, वो क्या काम किए, कुछ नहीं काम किए, उसको काम करना चाहिए था। वो अध्यक्ष थी, वो चाय होती तो पूरा कर्री क्या बोलते हैं स्वर्ग हो गया था, पूरा संत कबीर नगर जिला स्वर्ग हो गया होता। आपकी प्राथमिकता क्या है? मैं जिस दिन जिला पंचायत सदस्य बन के आऊंगा, चाहे बनू चाहे न बनू, इस गांव में मैं काम करूंगा। मेरे साथ और भी यहाँ के मतदाता ये उनसे बात करते हैं, इन्होंने जो कहा है क्या कितने ये खड़े उतरेंगे? वो सही कह रहे हैं, इनके गोलू से साथ सब लोग हैं। तो क्या कर्री की जनता गोलू सिंह के साथ खड़ी है? हाँ, सब खड़ी है। ये यहाँ के मतदाता, इनका कहना है कि वार्ड नंबर 18 से जो गोलू सिंह प्रत्याशी हैं उनके साथ जनता खड़ी है, ये तो आने वाला समय बताएगा। विनोद वर्मा, भारत समाचार, संत कबीर नगर।